ओम शांति। 3 जून 2024 की प्रातः साकार मुरली। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सत्व प्रधान बनेंगे। प्रश्न, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। उत्तर, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना है। शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभचिंतक प्रसन्नचित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। ओम शांति।